Well, we're here with the girl that's being celebrated not just across India but across the world. Deepa Karmakar has done India proud by becoming the first Indian woman gymnast not just to compete at the Olympics but also reach a final here. And Deepa, bahut shukriya humse baat karne ke liye. Pehle to congratulations aapko. Aap ek to yahan pe pahunche, uske baad aap qualify gaye final mein. Thank you. Aapke dimag mein kya ja raha tha, kyunki aap baith ke shayad dekh rahe the ki kya ho raha hai dusre jo sub divisions mein? हाँ, मेरे सब डिवीज़न के बाद और दो सब डिवीज़न था, तो थोड़ा डर था बहुत ही, क्योंकि मेरे से भी अच्छे थे और मैं भी थे सही, तो क्या पता हो भी सकते फाइनल पे नहीं भी, पर फाइनली हाँ 8 क्वालिफाई करते मैं 8 नंबर पे हो गई, तो हाँ मैं बहुत खुश हूँ। कितने एक्साइटेड हो आप, क्योंकि अभी तो आपके पास एक हफ्ता है प्रिपेयर करने के लिए फाइनल के लिए जो संडे को होगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब वो कन्फर्म हुआ कि आप क्वालिफाई कर गए फाइनल? हाँ, वही चल रहा था कि आगे जो 14 अगस्त को जो फाइनल है उसमें सिर्फ मेरा बेस्ट करना है, मैं जितना सीख का ही वही मैं करूँ तो मैं खुश हूँ उसमें। आपके कोच आपके साथ थे और आपके साथ रहे हैं राइट थ्रू, यहाँ पे भी जब रियो में आपने वो मेडल जीता था। विश्वेश्वर नंदी साहब, आप बताओ, आप देख रहे थे उसको जब ये हो रहा था, उन्होंने वॉल्ट किया, आपके दिमाग में क्या चल रहा था सब कोच, क्योंकि आपने उसको देखा है फ्रॉम मतलब बढ़ते हुए एज अ जिमनास्ट, तो आप बता सकते हैं आपके दिमाग में क्या इमोशंस थे? देखिए, मेरा दिमाग में ये चल रहा था, मेरा फुल कॉन्फिडेंट था उसके ऊपर, मैं जो सिखा के लाया वो पूरा परफॉर्म कर पाएगी, बस उसने वही किया। और इवेंट्स मतलब इट्स द फर्स्ट टाइम शी इज एंटर्ड ओलंपिक गेम्स, तो इवेंट से पहले आपने दीपा को कुछ क्या वर्ड्स ऑफ एडवाइस दिया कि क्या करना? देखिए, जिमनास्टिक एक तो कॉम्प्लिकेटेड गेम है, बहुत डिफिकल्टी गेम है, ऐसा है जो सीख के आया वही करना पड़ेगा, इससे कम भी नहीं कर सकते, उसके ज़्यादा भी नहीं कर सकते, तो स्पीड उसको वही रखना पड़ेगा जो उधर से प्रैक्टिस करके आया। तो बस मैंने वैसे ही ऐसे ही एडवाइस किया उसको, बेटा नॉर्मल माइंड नॉर्मल रखना, जैसे प्रैक्टिस करते हो ऐसे प्रैक्टिस करना, तब कंपटीशन में थोड़ा सा सीरियस रह के बस बेस्ट परफॉर्मेंस देने का कोशिश करना, और होगा तुमसे, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, तो तुम जो सीख आया वही कर पाओगे। और दीपा, मतलब नॉट जस्ट इन इंडिया बट आपको आप देख रहे हो कि दूसरे कंट्री से भी वो काफ़ी काफ़ी आपके बारे में बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ यू नो यू आर वन ऑफ द 5 पीपल दुनिया में जो प्रोडिनोवा करते हैं। मुझे पता है आपके ये सवाल आपको काफ़ी लोगों ने पूछा होगा, लेकिन अच्छा फीलिंग होता है कि जब लोग इतना अच्छा बोलते हैं, इतना पॉजिटिव बोलते हैं यानी इंडियन जिमनास्ट के बारे में आपको? मुझे बहुत खुशी होती है जब इंडियन जिमनास्टिक्स के बारे में बोलती, क्योंकि अभी जब हम यहाँ पे आए थे तो जो हमारी नेली की मैं FIG की वुमेंस की मेन, तो उन्होंने बोला कि ये इंडिया की स्टार है और इंडियन जिमनास्टिक्स कुछ सालों के बाद ऐसा जाएगा जैसे अभी चाइना वाले हैं वैसे, तो बहुत खुशी हुआ कि हमें चाइना के साथ कंपेयर किया जा रहा है। और हाँ, हमारा बहुत मेहनत रहेगा, 2020 टोक्यो में हम पूरा टीम के साथ आए, और मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू मेरे कोच सर को करना चाहती हूँ, क्योंकि इनका इतना सपोर्ट था, इतना लास्ट 15 ईयर से मेरे साथ है वो BS नंदी, तो उनको बहुत बहुत, क्योंकि उन इतना सपोर्ट के बिना मैं यहाँ पे आ ही नहीं सकती, और उन्होंने ये सजेशन दिया था प्रोडोनोवा वर्ल्ड सीखने के लिए, और वो थोड़ा सक्सेस हो पाई, मैं बहुत खुश हूँ। आप वन ऑफ द 5 पीपल इन द वर्ल्ड जो जिसने ये अटेम्प्ट भी किया है, काफ़ी लोग तो अलाउ भी नहीं करते अपने आप जिमनास्ट को, आपके आप हमें इंडिया को के लोगों को बताइए कि जो कॉन्फिडेंस आपको, इतना कॉन्फिडेंस है इस वॉल्ट में, आपने इतनी बार किया हुआ है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, आपके लिए क्या ये स्पेशल क्यों है? देखिए, ये कुछ क्योंकि अगर मेरा प्लस पॉइंट वहाँ है, मेरा वॉल्टिंग टेबल थोड़ा सा अच्छा है और मैं इस वॉल्टिंग टेबल पे ये वॉल्ट कर सकती हूँ, तो मुझे सर ने बताया कि तुम कर सकते हो, तो तुम्हें अटेम्प्ट करना चाहिए, तो मैंने बोला हाँ सर मैं रेडी हूँ करने, तो इसीलिए मैं शुरू किया। और सब सोचते इस करने से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हाँ जिमनास्टिक तो हमेशा चोट लगता है कहीं भी, इस बार भी कंपटीशन में एक लड़के को बहुत गंदे चोट लगा, पर देखिए हम सब प्रैक्टिस के ऊपर बिलीव करते हैं, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो होगा, हम प्रैक्टिस बहुत करके आए, बस उसका ही थोड़ा सा रिजल्ट है, अभी आगे भी जो होगा वो हम कोशिश करेंगे हमारा पूरा बेस्ट देने का। नंदी साहब, आपको भी शायद काफ़ी लोगों ने आपसे बात किए भी किया होगा क्वालिफिकेशन के बाद, आप समझ रहे होंगे कितना एक्साइटेड लोग हैं इंडिया में, हमने दीपा के फैमिली से भी बात किया, बहुत एक्साइटेड है उसके क्वालिफिकेशन से, आप
थोड़ा बता सकते हैं व्हाट हैव यू बीन हियरिंग फ्रॉम मी? एक्चुअली मैं पहले बताना चाहता हूँ नेली किम के बारे में. नेली किम वुमेन टेक्निकल कमेटी का प्रेसिडेंट है वर्ल्ड का. तो उन्होंने हमें बेस्ट विशेष दिया और बताया इंडिया बिकामे मतलब बहुत अच्छा कर रही है और एक दिन चाइना को भी बीट करेंगे इंडिया. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनको थैंक्स देना चाहता हूँ. दूसरा है देखिए जिमनास्टिक ऐसा गेम है, मतलब इंडिया में ज़्यादा लोग जानते नहीं थे जिमनास्टिक है बोल के कोई स्पोर्ट्स. तो हम लोगों ने कोशिश किया तो मतलब 52 इयर्स के बाद कोई जिमनास्ट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, वो भी लड़की. तो मैं समझता हूँ ये जो मैंने सिखा के लिए आया उसने अच्छा परफॉर्म किया और फाइनल तक पहुँच गया, मतलब बेस्ट 8 में आ गया. एज ए कोच मैं ये सोचता हूँ जो बेस्ट 8 में जितना भी लड़की है वो सारे मेडलिस्ट है, मतलब जो 8 में कंपटीशन करेंगे फाइनल में वो कुछ भी हो सकता है. जो 1 नंबर पे है वो 8 नंबर पे जा सकती है, जो 8 नंबर है वो भी मतलब मेडल ले सकती है. तो उस दिन किसका है, किसका स्टार फेवर करती है उस दिन का देखना है. बस हम पूरा कोशिश करेंगे बेस्ट परफॉर्मेंस दीपा को कराने के लिए. दीपा इंडिया से मैं मतलब फ्रॉम ऑल द पीपल बैक होम मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपको ऑल द वेरी बेस्ट. आप सबका सपोर्ट है, ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू द कंट्री प्राउड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू.